तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों थोड़ा यहाँ पे धूप है पीछे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर क्वालिटी ख़राब हो तो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग आर्कोस जी लापा देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब समझ लो आप, एक जगह है कॉलोनियल आर्किटेक्चर है वो। ठीक है, बहुत पुराना 18th century का है वो, और यही है उसका, तो वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, वो यहीं पे है। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं कारियोका एक्वेडक्ट, ओके, एक्वेडुक्टो द कारियोका, ओके। तो ये जो है 18th century में फ्रेश वाटर जो है कारियोका रिवर से रियो डी जनेरो की पॉपुलेशन को देने के लिए, फ्रेश वाटर लाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यही है, इसको आर्कोस द लापा बोलते हैं, लापा आर्चेस, ओके। तो ये है आर्कोस द लापा, और आज हम इसको देखने वाले हैं। हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, यहाँ से, ठीक है, ये है। तो दोस्तों ये जो जगह है ये बहुत फेमस है, ओके। ये जो जगह है ये खाली स्पेस जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे फंक पार्टीज भी होती हैं। फंक पार्टी हुई थी जब वो एक बहुत फेमस सिंगर है मिस्टर कतरा, मेरे फेवरेट थे वो जो है अब नहीं रहे, कैंसर था उनको, चले गए वो, डेथ हो गई उनकी। तो उसके बाद भी यहाँ फंक पार्टी हुई थी, शायद उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ के जो सब फंक सिंगर है ना उन लोगों ने करी थी। तो मैं तो क्या, वो रात को थी वो, तो आपको पता है मैं रात को निकलता नहीं हूँ। तो देखिए दोस्तों, आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, ये कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, बहुत पुराना, 18th century का, और यहाँ पे बहुत सारा खाली स्पेस है इवेंट्स के लिए। यहाँ पे जो मिलिट्री पुलिस है उसकी एक कार भी खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वरी नहीं है कि भाई कोई लूट ले या चोरी हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, मिलिट्री पुलिस है यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये जो है ये टूरिस्ट स्पॉट ही है एक, ये भी यहाँ पे लोग आके फ़ोटो वोटो खींचते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे और थोड़ा। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है, ये वाले एंड से लेके वो जो है एंड तक यही है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और फिर यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, दैट्स ऑल। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो है बहुत अजीब सा नाम है आर्कोस द लापा, ठीक है, तो वो कैसा लगा आपको। ये सिटी सेंटर में है रियो डी जनेरो के, जो मैंने अभी आपको वो कैथेड्रल दिखाई थी ना उसके बाजू में ही है वो, आपको कैथेड्रल यहाँ से दिखेगी, देखो ये दिख रही है आपको यहाँ से कैथेड्रल, नहीं नहीं सॉरी, ये यहाँ से दिख रही है, ये है कैथेड्रल, तो आपको वो भी यहाँ से दिख रही है। तो मैं यहाँ पे आया था तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दें, मैं भी यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, यहाँ पे खड़े होंगे इसके साथ फ़ोटो निकाल लेंगे, क्योंकि पुराना आर्किटेक्चर है, तो बस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम भी यहाँ पे बस अभी फ़ोटो निकालेंगे और फिर हम वापस जाएंगे। तो दोस्तों हमारी फ़ोटोग्राफी हो चुकी है, मैंने अपनी सेल्फीज़ बहुत सारी निकाल ली हैं इधर उधर से। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताओ ये जगह कैसी लगी, बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पे जो पहाड़ है वहाँ पे भी कोई चर्च जैसी मुझे दिख रही है, और पहाड़ पे भी घर बने हुए हैं, स्लम नहीं है, वो बिल्डिंग्स दिख रही हैं मुझे, तो स्लम नहीं है पहाड़ पे, यूजुअली यहाँ पे स्लम्स होती हैं। ठीक है, और अभी एक और पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आ गई है, उनकी जो पहले थे ड्यूटी ख़त्म हो गई, तो क्या हुआ एक कार यहाँ से आई फिर वो लोग निकल गए, तो अच्छा है ड्यूटी से ये लोग खड़े रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चोरी वोरी हो जाए तो बहुत का खतरा ज़्यादा है चोरी होने का। ठीक है दोस्तों, तो अभी बस वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए,
रियो डी जेनेरियो के सेंटर्स में, ये आर्कोस द लापा। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए राजा भैया ब्राज़ील वाले को, और साथ में साइड में जो बेल आइकॉन दिया है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले पहुँचें।